मंदिर निर्माण की कमान संघ के सरकारवाह रहे भैया जी जोशी के हाथों में होगी और भैया जी जोशी उसके केयरटेकर होंगे। और इसके पीछे तीन बड़ी बातें बताई जा रही हैं, जिसमें से एक बात है जमीन खरीदी में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर विराम लगाना। यह खबर प्रकाशित हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा संघ मानता है और जिसके कारण से वो वहां पर एक अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को केयरटेकर बनाना चाहता है, तो इसकी जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे कागजात मैंने सामने किए, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित दस्तावेज मैंने सार्वजनिक किए, उस पर न प्रधानमंत्री जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न आदित्यनाथ जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही तमाम जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैंने तहरीर भी दी है उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो बीजेपी वालों के भ्रष्टाचार को, ट्रस्ट के लोगों के भ्रष्टाचार को ये सारे लोग मिलकर छिपाना और दबाना क्यों चाहते हैं? अगर संघ ये मान रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर भैया जी जोशी की नियुक्ति करके भ्रष्टाचार के आरोपों पर विराम लगाना है या भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है? क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर जमीन खरीद में घोटाले की छूट होनी चाहिए? क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर जिन लोगों ने गहरा चोट पहुंचाया है, ऐसे बीजेपी वालों को, ट्रस्ट वालों को जेल में नहीं होना चाहिए? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आज जो संत महंत शंकराचार्य, तमाम अयोध्या के साधु जो बजरंग बली जी को जाकर ज्ञापन समर्पित कर रहे हैं और उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को? राम लला के मुख्य पुजारी सत्येन्द्र दास जी सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख पक्षकार हिंदुओं की ओर से, धर्मदास जी, स्वामी दिलीप दास जी, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और खुद ट्रस्ट के तीन सदस्य इन भ्रष्टाचारों पर सवाल उठा चुके हैं, इसकी जांच की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके सारी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक खामोश है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खामोश है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि आरएसएस इस पर पर्दा डालने की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और राम भक्तों के लिए, जो लोग न्याय चाहते हैं, जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में दलाली, घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं, उनको इस बात से पीड़ा पहुंची है।